सर, आज हम किस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं और कहां से शुरुआत कर रहे हैं? एक बढ़िया स्टॉक हमारे लिए बताइए कि जहां पे निवेश का मौका हो। सर देखिए, आज मैं आपके और दर्शकों के लिए स्टॉक लेकर आया हूँ जो अभी तक बहुत एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी तक की जो निफ्टी की आपने रैली देखी है यहाँ तक, सर उस स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल। जी सर, टाटा केमिकल की कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। सर ये 1939 में बनी थी और मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीबन 23,000 करोड़ का है और इसके मेजर मार्केट्स जो हैं सर वो इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका है। इसमें अगर हम देखें सर, वो जो मैं होल्डिंग का डिटेल्स देता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग करीबन 37.98% करीब है। एफआईआई होल्डिंग भी सर इसमें बहुत अच्छी लग रही है मुझे, 14.99 अप्रोक्स 15%। डीआईए होल्डिंग भी 19.17% है और सर पब्लिक का फ्लोट इसमें अच्छा है, 27.86% पब्लिक इंटरेस्ट भी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और डीआईएस में सर इसका जो मेजर प्लेयर है जिसका इन्वेस्टमेंट है वो है एलआईसी, जो अकेला 6.79% होल्ड करता है। सर इसमें हम एक चीज देखें कि इनका जो मेजर एक्सपोर्ट है वो आपका नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका होता है, जो कि कोविड के दौरान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बट अब वो रिवाइवल मोड पे आ गए हैं सर और वहां से इनके जो ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से आने लग गए हैं। अगर हम इसके थोड़े और फंडामेंटल्स पे देखें तो सर इसका पिछले 3 साल का आरओई है वो भी हेल्दी है, 20.83%। कंपनी जो हम आज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं इतने दिनों से, उसकी डेट की हम बात करते हैं सर, इट्स अ वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। कैश कन्वर्जन साइकिल सर बहुत एक्साइटिंग है इसकी। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो -164 डेज है, जो अपने आप में बहुत अच्छी वो चीज है। और इसकी लिक्विडिटी पोजिशन भी सर अच्छी है, अभी इसका करंट लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 2.77% है। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो सर नेगेटिव समहाउ जो मैं आपको अभी बात बता रहा था कि ऑर्डर बुक वापस रिवाइव हो रही है इनके इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी इनका कंजम्पशन थोड़ा ठीक हो रहा है, बट पास्ट 3 ईयर्स जो कोविड की आपके सिचुएशन चली उसमें इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीबन -35% रहा और रेवेन्यू ग्रोथ भी -26% रहा इन लास्ट 3 ईयर्स अगर हम उसको देखें। अभी इन लोगों ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, रिजल्ट्स वर क्वाइट गुड और कंपनी एक रिवाइवल पाथ पे है। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि हम वही स्टॉक चूज करते हैं जो बहुत ज्यादा अभी आपको इमिडिएट मूव ना दे, आप आराम से उसको बाय करें, होल्ड करें, रखें, ग्रेजुअली आपको वो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी देगा। और ये मैं एग्जाम्पल आपसे जैसे शेयर करूं कि आप ही के चैनल पे मैंने ट्राइकॉल दिया था सर, 118 रुपए पे दिया था, आज बहुत शांति से वो चलता रहा, ज्यादा कोई उसमें शोर नहीं मचाया, कुछ नहीं किया। ट्राइकॉल आज 154 लेवल्स का हाईज भी मार के मेंटेन कर रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यूजुअली आप देखेंगे जो भी स्टॉक हम आपके समक्ष रिकमेंड करते हैं वो स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि आपको कोई हफड़ा तफड़ी करने की जरूरत नहीं, आप अपनी पोजीशन बनाए, नीचे आए और लें, नहीं नीचे आता है ऊपर जाता है तो जो लेवल्स आते हैं उन पे आप बुक करें। तो सर उसी के बिना पे इसके लेवल्स अगर हम देखें, टाटा केमिकल के लेवल्स देखें, तो टाटा केमिकल्स के लिए सर अभी जो करंट रेट चल रही है मुझे इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। इन लेवल्स पे 908 909 रुपए के लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं, बाय मोर जो कि हम जरूर मेंटेन करेंगे क्योंकि हम एक टाइम ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और ट्रेडिंग बेट नहीं है। तो सर अगर कुछ मार्केट में नेगेटिव आता है फॉर केमिकल और फॉर टाटा केमिकल को न्यूज अगर ऐसी आती है जो इसको थोड़ा सा करेक्टिव फेज में लेके चली जाए तो सर करीबन 824 825 रुपए के लेवल पे आपको दिखे तो आप और इसमें पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक आपने अभी इसको बाय कर लिया, मेंटेन करिए। अब सर हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट जो पहला टारगेट है वो है मेरा 1024 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1198 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 1280 रुपए का। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन सर इसका आप लेके चलें करीबन 3 से 4 क्वार्टर, 3 से 4 क्वार्टर के लिए आपको इसको होल्ड करना होगा और 3 से 4 क्वार्टर में ये अपने लेवल्स चेंज करेगा, टारगेट्स भी हिट करेगा, लेवल्स भी चेंज करेगा। जैसे जैसे लेवल चेंज करेगा हम आपको आगे भी अपडेट करेंगे। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टोरी दिख रही है और टेक्निकली इसने अपना बॉटम अभी बना लिया है।
टेक्निकली बॉटम बना लिया, दिख रहा है सपोर्ट को, रिस्पेक्ट कर रहा था सपोर्ट लेवल्स को, और पहले भी किया था और इस बार भी तीन बार वहां से सपोर्ट लेकर के और फिर बाउंस बैक और कंसोलिडेशन और वो सब निकालने के बाद में एक अच्छे से रिकवरी के उसमें ट्रेजेक्टरी में चल दिया है, तो ग्रोथ के ऊपर में चल दिया है। दिनेश जी भी कह रहे हैं नाइस एनालिसिस है रचित जी, तो बढ़िया एनालिसिस। टाटा केमिकल्स खरीदारी की राय है, अभी भी कर सकते हैं नीचे अगर कुछ भी, चाहे वो किसी दिन बाजार का कुछ करेक्शन हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर में कुछ करेक्शन हो, कोई रीजन कोई खबर कुछ भी और नीचे लेवल्स पे मिलता है तो वहां पे और एक्युमुलेट कर सकते हैं। लेवल्स आपको सारे बता दिया है, एक बढ़िया व्यू दे दिया है। सर मैं कितने समय के लिए लेकर के रख दूं ये जो 1024-1025 टाइप के जो टारगेट्स आप बता रहे हैं? सर 1024-1025 तो मैं समझता हूं एक क्वार्टर में आपको देखने को बहुत इजीली मिल सकता है। ठीक है, और ये यूजुअली सर टाइम ड्यूरेशन मैं लंबा ही देता हूं, आपने नोटिस किया होगा मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखता हूं स्टॉक्स के प्रति भी और ट्रेडिंग के प्रति भी। मैं आपको टाइम ड्यूरेशन हमेशा वो देता हूँ जिससे पहले अचीव हो जाए, बट सर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कोई हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है, हमको आराम से काम करना है, इसीलिए सर आपको ऐसा टाइम ड्यूरेशन दे दिया है तब तक आप विचलित नहीं होंगे। ठीक, तो व्यू के हिसाब से रचित जी लंबा देते हैं टाइम फ्रेम, ज्यादा लेकर के चलते हैं, रिजल्ट जल्दी आने लगे तो उसका क्या कर सकते हैं, अब अगर किस्मत ही अच्छी है किसी की तो क्या कर सकते हैं, यह एनालिसिस अच्छा है तो वो सारी चीजें, प्लस बाजार भी सपोर्ट कर जाता है, कभी कभी सेंटिमेंट्स भी काम कर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें फेवर में होती हैं। बढ़िया, ठीक है सर। इसके लिए अभी मैं डिस्क्लोजर दे देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी पास और मेरे क्लाइंट्स के पास इस पर्टिकुलर काउंटर में पोजिशन हो सकती है। बढ़िया, तो ये डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, टाटा केमिकल्स में रचित जी और उनके क्लाइंट्स की अपनी पोजीशन भी हो सकती है और ये उनकी इन्वेस्टमेंट एक पिक है जिसके रीजंस बता दिए उन्होंने फंडामेंटल क्यों